हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ GTF गेमिंग। यह वीडियो हमारे फ्री फायर के टूर्नामेंट की है जो एवरी संडे होता है। अगर आप भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और जीते ढेरो प्राइज। फर्स्ट टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स और सेकेंड टीम का नाम है डेक्कन चार्जर्स। रॉयल चैलेंजर टीम में है राहुल जी, देव ओनली, सुजान और डियाबला। डेक्कन चार्जर्स टीम में है हीरोइक किंग, यश, ऋषव और मिस अंकु। ओके, तो देखते हैं गाइस इनके बीच का मैच कैसा होता है। रॉयल चैलेंजर्स के सुजान आगे बढ़ रहे हैं। लगता है आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देव ओनली आगे बढ़ते हुए, राहुल जी ने यश को नॉकडाउन कर दिया है। वाओ गाइस, राहुल जी ने हेडशॉट मारा है यश को डेजर्ट एंगल से। इसी के साथ डेक्कन चार्जर्स में अब ओनली दो प्लेयर बचे हैं। डियाबला ने यश को नॉकडाउन कर दिया है। डियाबला बहुत अच्छा खेल रहे हैं। डियाबला ने हेडशॉट मारा है हीरोइक किंग को। वाओ गाइस, डियाबला ने अगेन हेडशॉट मारा है ऋषभ को UMP से। इसी के साथ फर्स्ट मैच में रॉयल चैलेंजर जीत चुकी है। रॉयल चैलेंजर की टीम आगे बढ़ती हुई, राहुल जी ब्लू बॉल के सहारे आगे बढ़ते हुए। मिस अंकु ने नॉकडाउन कर दिया है देव ओनली को। वाओ गाइस, डियाबला ने हेडशॉट मारा है अंकु को। रॉयल चैलेंजर्स और डेक्कन चार्जर्स दोनों ही टीमें फायरिंग करती हुई, ऋषभ लगातार फायरिंग करते हुए। ऋषभ नॉकडाउन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी फाइट और फाइनली ऋषभ फिनिश हो चुके हैं। डेक्कन चार्जर्स में हीरोइक किंग और यश ही बचे हैं। डियाबला हीरोइक किंग पर पीछे से अटैक करते हुए हीरोइक किंग नॉकडाउन हो गए हैं। इसके साथ ही डियाबला ने हीरोइक किंग को फिनिश कर दिया है। ओनली यश ही बचे हैं। क्या यश अकेले रॉयल चैलेंजर से फाइट ले पाएंगे? और देव ओनली ने यश को हेडशॉट मारकर मैच को फिनिश कर दिया है। इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर 2-0 से आगे चल रही है। रॉयल चैलेंजर की टीम बहुत ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ती हुई, हीरोइक किंग पोजीशन लेते हुए राहुल जी ऑब्जर्व कर रहे हैं कहां से अटैक करना है। राहुल जी पूरे मैच को ऑब्जर्व करने के लिए हाइट पर पहुंच गए हैं। एक गुड न्यूज आई है डेक्कन चार्जर के लिए, ऋषभ ने सुजान को फिनिश कर दिया है। लगता है इस बार मैच कांटे का होगा। इसके साथ देव ने हेडशॉट मारकर हीरोइक किंग को फिनिश कर दिया है। डियाबला ग्लू बॉल के सहारे रश करते हुए, रॉयल चैलेंजर 2 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बनी हुई है। डेक्कन चार्जर्स अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। डियाबला फाइट लेते हुए, वाओ गाइस, देव ओनली ने हेडशॉट मारकर ऋषभ को फिनिश कर दिया है। मिस अंकु ने देव ओनली को फिनिश कर दिया है। दोनों ही टीमों में दो प्लेयर ही बचे हैं, तो अब ये फाइट 2-2 हो गया है। देखते हैं इस 2-2 में कौन सी टीम बाजी मारती है। मिस अंकु और राहुल जी एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते हुए, मिस अंकु ने राहुल जी को नॉकडाउन कर दिया है। इसके साथ ही मिस अंकु ने राहुल जी को फिनिश कर दिया है। अब डियाबला अकेले बचे हैं रॉयल चैलेंजर टीम में। डियाबला बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। देखते हैं डियाबला अकेले यश और मिस अंकु को फिनिश कर पाएंगे या नहीं। और यहां डियाबला ने यश को नॉकडाउन कर दिया है। डियाबला ने हेडशॉट मारकर यश को फिनिश कर दिया है। तो गाइस, रॉयल चैलेंजर ने थर्ड मैच भी जीत लिया है और फाइनली मिस अंकु एलिमिनेट हो चुके हैं।
रॉयल चैलेंजर की टीम ग्लू वॉल के सहारे आगे बढ़ती हुई डियाब्ला फाइट लेने के लिए आगे बढ़ते हुए फाइट होती हुई राहुल जी आराम से बाहर घूम रहे हैं। हीरक किंग और सुजान के बीच फाइट होती हुई और हीरक किंग ने नॉक डाउन कर दिया है सुजान को। राहुल जी आराम से बाहर मैच का आनंद ले रहे हैं। कभी ये छत पर चढ़ जाते हैं, लगता है राहुल जी ने मेरी बात सुन ली, अब ये फाइट लेने आगे जा रहे हैं। वाओ, गजब का हेडशॉट मारा मिस अंकु ने। राहुल जी अब फिनिश हो चुके हैं। यश फाइट लेने के लिए आगे बढ़ते हुए और लगातार फायरिंग, और ये दोनों टीमें एक दूसरे की तरफ फायरिंग कर रहे हैं। हीरक किंग ने डियाब्ला को नॉकडाउन कर दिया है, हीरक किंग ने डियाब्ला को फिनिश कर दिया है। देवोली ने मिस अंकु को हेडशॉट मारकर फिनिश कर दिया है। इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर की टीम हार चुकी है इस मैच को। इसके साथ ही मैच खत्म हो चुका है। रॉयल चैलेंजर 3 पॉइंट के साथ टॉप पे बनी हुई है और डेक्कन चार्जर्स एक मैच ही जीत पाई है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और जीतिए काफ़ी सारे कैश प्राइज।